खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल न्यूज़। खतरनाक सारिखों की 3 रुकनी बैन रियासती टोली गिरफ्तार, 800,000 मालियाती मसरूख अशिया बरामद। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस ने खतरनाक बैन रियासती आदि सारिखों की 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 10 तोले तिराई जेवरात, 4 किलो चांदी की अशिया, 11,200 रुपये नकद रकम, जुमला 800,000 रुपये मालियत का मसरूखा माल बरामद कर लिया। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि मुलजमीन की शनाख्त 34 साल उदयपल्ली दुर्गा, पेशे से मजदूर, मुतवातिन जिले कृष्णा मछलीपट्टनम, 41 साल पी उमा महेश्वर राव मुतवातिन जिले गुंटूर टाउन और 30 साल पी किरण बाबू जिले गुंटूर की हैसियत से की गई है। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद। और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में भी क्राइम किए, तीनों का डिटेल इस प्रकार से है। आरेपल्ली दुर्गा राव एलियस दुर्गा, ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट मछलीपट्टनम का रहने वाला है, और दूसरा पी उमा महेश्वर राव, ये भी आंध्र प्रदेश गुंटूर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, और थर्ड मेंबर पी किरण बाबू, ये भी एटी अग्रहारम गुंटूर टाउन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। और इन लोग का जो मोडस ऑपरेंडी था कि दिन में ये लोग पॉश कॉलोनी में जाकर रेकी करते हैं, रेकी करने के समय आइडेंटिफाई करते हैं कि किस हाउस में को ये लोग टारगेट करेंगे, जिसका लॉक ये लोग समझते हैं आसानी से ब्रेक करके अंदर जाएं, और उसके बाद रात में ये लोग हाउस ब्रेक करते हैं, लॉक ब्रेक करते हैं। आर्यपल्ली दुर्गा राव ये बीसी शीट होल्डर है मछलीपट्टनम पुलिस स्टेशन का, और इसके ऊपर अब हमारे ईस्ट जोन के तरफ से पीडी एक्ट का प्रपोजल भी शुरू होगा। अभी तक जो 7-8 केसेस इनके ऊपर हैं जो अभी डिटेक्ट हुआ, जिसमें हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के 2 केस, राजकोंडा उपल का 1 केस, पेदानंदीपाड़ू पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश का 1 केस, अमरावती पुलिस स्टेशन का 1 केस और मलकाजगिरी राजकोंडा का 1 केस डिटेक्ट हुआ। ये एंटायर ऑपरेशन में ज्वाइंट सीपी ईस्ट जोन रमेश रेड्डी के लीडरशिप में और हमारे एडिशनल डीसीपी मुरली और खास करके उनके साथ एसीपी श्रीनिवास और डीआई कांता रेड्डी, डीएसआई गंगाधर रेड्डी और उनके पूरे स्टाफ अंडर द लोकल लीडरशिप ऑफ रमेश नायक उस्मानिया यूनिवर्सिटी एसएचओ, और ये लोग सब मिलकर बहुत अच्छा काम किए और उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप लोग को ये भी बताएंगे कि 2000 जनवरी और 5 डेज ऑफ फरवरी का महीना हुआ है, जिसमें हैदराबाद कन्विक्शन में कंट्री में नंबर 1 है। अभी तक हम लोगों को 3 लाइफ इंप्रिजनमेंट कोर्ट से क्रिमिनल्स को मिला, जिसमें एबिट्स पुलिस स्टेशन का 1 पॉस्को केस, नालाकुंटा पुलिस स्टेशन का 1 मर्डर केस और उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन का 1 मर्डर केस। इन तीनों केस में लाइफ इंप्रिजनमेंट हुआ। इसके अलावा बोयनपल्ली में एक अटेम्प्ट टू मर्डर में 3 इयर्स इंप्रिजनमेंट और बेगमपेट में एक 10 इयर्स पॉस्को और रेप केस में कन्विक्शन मिला। इसके अलावा एक 12 इयर्स इंप्रिजनमेंट इन चिलकरगुड़ा और 7 इयर्स इंप्रिजनमेंट इन चिलकरगुड़ा इन रेप एंड मर्डर केस। ये सभी ऑफिसर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने लोकल प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के साथ मिलकर कोर्ट से ये कन्विक्शन लिया। That's all. Thank you so much. हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।